नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आई नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पाक ने एक बार फिर किया जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में सीज फायर का उल्लंघन। बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। 3 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की खबरें। पाक रेंजर्स की 5 से 6 चौकियां भी हुई ध्वस्त। अखिलेश शिवपाल विवाद में एसपी के मंत्री पवन पांडे पर गिरी गाज। शिवपाल ने किया अखिलेश के करीबी पवन को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर। पवन पांडे पर है आशु मलिक को पीटने का आरोप। शिवपाल ने कहा पार्टी और परिवार में कोई विवाद नहीं। शिवपाल सहित 4 बर्खास्त मंत्रियों की वापसी पर संशय बरकरार। अखिलेश ने कहा फिलहाल मेरा फोकस है सिर्फ 3 नवम्बर की रथ यात्रा पर। मुलायम ने अखिलेश से की थी बर्खास्त मंत्रियों की बहाली की सिफारिश। जेएनयू के हॉस्टल से मिला पीएचडी के छात्र का शव। मणिपुर का जेआर फिलेमोन 3 दिन से था लापता। जेएनयू में शनिवार को छात्र नजीब के लापता होने पर छात्रों ने किया था जमकर हंगामा। पॉल बीटी बने बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी लेखक। बीटी के नस्ली राजनीति पर आधारित बुक द सेल आउट को मिला बुकर पुरस्कार। और आज धोनी के होम ग्राउंड रांची में खेला जाएगा 4था वनडे मुकाबला। न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने की उम्मीद से उतरेगा भारत। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है टीम इंडिया। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।